मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज पूजा हियर. वेलकम टू ई कॉमर्स जोन. हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 4. यू कैन सी ऑन द बोर्ड चेंज इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. आई थिंक सो मैंने पिछले पार्ट जो बनाए होंगे आपने उसको देखा होगा. ई कॉमर्स जोन के प्लेलिस्ट में आप जाके देखोगे. अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर ई कॉमर्स जोन में आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फॉर द लेटेस्ट वीडियोज एंड ऑपरेशन राइट. और मैं आपको बता दूं, जो हमने केसेस लिए थे, जो मैंने कहा था कि मैं डॉक्टर एस के सिंह के बुक को फॉलो कर रही हूं और उसमें कुछ केसेस मैं व्हाइट बोर्ड पर डिस्कस कर रही हूं राइट. तो आज जो हमारा जो क्लास है, आज का एक क्लास हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे और एक और क्लास मुझे बताना है, दो केसेस और है. उसके बाद आपका प्रॉफिट जो आपका है, ये चेंज इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये ऑलमोस्ट ऑल कंप्लीट हो जाएगा ठीक है. उसके बाद हम लोग देखेंगे रिजर्व का ट्रीटमेंट कैसे करना है, वर्कमैन कंपनसेशन कैसे करना है, गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करना, बेसिकली जो जर्नल एंट्रीज है वो फिर हम लोग वापस डॉक्टर एस के सिंह के बुक से पढ़ेंगे. चलिए जो हमारा आज है क्वेश्चन उस पर देखते हैं. हाँ, उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है, लगभग 4 क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है. क्वेश्चन आप देख सकते हो, यू कैन से ऑल्सो केसेज ऑल्सो, ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं. तो यहाँ पर देखोगे ए एंड बी पार्टनर्स है. पार्टनर्स कितने के लिए हैं? 5:3 के लिए है. सी यहाँ पे न्यू पार्टनर आता है 1/5 शेयर के लिए. यहाँ तक आपको वर्ड क्लियर है? ए विल सेक्रीफाइस 1/5. इस पर ध्यान प्लीज देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है. A will sacrifice 1/5 from, यहाँ पे TH नहीं लगा हुआ है, 1/5 from his share and balance by B. Find new PSR. ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या, आपको ये जानना है कि sacrifice by A और B कितने किए गए. A और B के द्वारा sacrifice कितना किया गया? तो A के बारे में तो क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया है 1/5. ठीक है, दूसरी चीज C कितने के लिए आता है? C 1/5 शेयर के लिए आता है. तो हम लोग B का आराम से निकाल लेंगे. इसे आप देख सकते हो सेक्रीफाइस बाई A एंड B, A के द्वारा 1/5 सेक्रीफाइस किया गया है. और जो B है उसका जो सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालने का तरीका होगा वो क्या होगा? C शेयर्स माइनस A सेक्रीफाइस. C शेयर कित C कितने के लिए आ रहा है? 1/5 के लिए आ रहा है. और A सेक्रीफाइस कितना कर रहा है? 1/5. तो आप देख रहे हो 1/5 माइनस 1/5 क्या हो गया? निल हो गया. यानी कि सी जो 1/5 के लिए आ रहा है उसको सेक्रीफाइस केवल ए कर रहा है, बी कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. न्यू शेयर ऑफ ए बी सी, क्योंकि हमको क्वेश्चन में बोला है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालिए. तो न्यू शेयर निकालने का तरीका क्या है? न्यू शेयर बराबर होता है ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर. तो ओल्ड शेयर हमारा ए का कितना है क्वेश्चन में? 5/3. 5 और 3 को ऐड करेंगे तो 5/8 होगा. सेक्रीफाइस इसने कितना किया था? 1/5 किया था. 8 और 5 का एलसीएम दोगे 40. 25 माइनस 8 बराबर कितना हो जाएगा? 17/40 हो जाएगा. ठीक है, फिर दूसरा बी. बी का यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि बी ने कोई सेक्रीफाइस किया ही नहीं है, अभी हमने जस्ट देखा. बस क्योंकि इसके डिनोमिनेटर से हमको इक्वल करना है, क्योंकि यहाँ पे 40 है, इसलिए हमने यहाँ पे बी का जो पुराना ओल्ड रेशियो था 3/8 में मल्टीप्लाई किया है 5/5. ठीक है, इक्वलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर को. तो मेरा 5 3 15 एंड 8 4 क्या हो गया? 40 हो गया. सिमिलरली सी को भी हम डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए यहाँ पे 8 से हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए 8/40 हुआ. फाइनली आपका आंसर आ गया न्यू PSR बराबर 17:15:8, क्योंकि इसका जो आया था अभी 17/40, 15/40 और 8/40. तो आपका ये आंसर हो गया. तो आई होप सो ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो आप बना लोगे. ये सब क्वेश्चन ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से भी आते हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे आपका जैक बोर्ड हो. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में. ए और बी पार्टनर्स हैं. यू कैन सी हियर 3:2 इनकी ओल्ड रेशियो दी गई है. सी शेयर 1/5 शेयर. सी का शेयर कितना है? सी यहाँ पे नया बंदा आ रहा है, प्रवेश कर रहा है बिजनेस में, 1/5 शेयर के लिए. ए विल सेक्रीफाइस 1/10. ध्यान से देखना फिर से, ये वहाँ पे फ्रॉम था, यहाँ पे क्या है? 1/10 ऑफ है. इस लाइन को बहुत ध्यान से देखोगे. सेक्रीफाइस, ए विल सेक्रीफाइस 1/10 ऑफ हिज शेयर. जो ए का जो शेयर है उसमें से 1/10 वो शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है. फाइंड न्यू PSR. ठीक है, और यहाँ पे ये भी क्वेश्चन में क्लियर नहीं किया गया कि बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है. तो अगर क्वेश्चन में नहीं भी बोलेगा तो भी आप निकालोगे. ठीक है, तरीका क्या है? अगेन वही सेम तरीका, सेक्रीफाइस बाई ए एंड बी. ए एंड बी के द्वारा कितना सेक्रीफाइस किया जा रहा है? तो ए मेरा है 3/5, ओल्ड मेरा कितना है?
ओल्ड शेयर कितना होगा, ए का 3/5, उसमें से 1/10 ए क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है, तो कितना हो जाएगा 3/50। बी का हम कैसे निकालेंगे, इज वेरी सिंपल, सी कितने के लिए आ रहा है, सी 1/5 के लिए आ रहा है, माइनस करेंगे ए सेक्रीफाइस कितना कर रहा है 3/50, तो हम जान इस तरीके से हम जान जाएंगे कि बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। 5 और 50 का हम एलसीएम देंगे, ठीक है, 10-3/50, तो बी का कितना आ गया 7/50, यानी कि बी सेक्रीफाइस कितना कर रहा है 7/50, ठीक है। और चेक करना है तो चेक करके भी आप देख सकते हो, 3/50 + 7/50, आप देख लो यहाँ पे 50 3 + 7 कितना आ गया 10/50, काटोगे तो कितना आ जाएगा 1/5, तो सी कितने के लिए आ रहा है 1/5, आपको मैंने पहले ही बताया है, जो सेक्रीफाइसिंग है उसको जोड़ोगे तो आपका गेनिंग का निकल जाएगा, ठीक है। चलो तो ये हमने चेक करने के लिए बताया था, इसको कंपलसरी नहीं है कि आपको बनाना है, आपको बस चेक करना है कि सही है कि गलत जा रहा है मेरा, ठीक है। तो हमने जान लिया ए का सेक्रीफाइस 3/50 आया और बी का कितना आया 7/50 आया। अब आते हैं हम लोग न्यू शेयर में, न्यू PSR निकालना है हमको तीनों का, तो सेम फॉर्मूला, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर, ओल्ड शेयर ए का था 3/5 और सेक्रीफाइसिंग शेयर है 3/50, एलसीएम देने पर 30-3 = 50 कितना हो, 27/50 हो गया। बी का मेरा जो था ओल्ड शेयर था वो 2/5 था और सेक्रीफाइसिंग 7/50 था, एलसीएम देने पर मेरा कितना आया 13/50 आया। सी कितने के लिए आ रहा था 1/50 के लिए, क्योंकि डिनोमिनेटर हमको इक्वल करना है, इसलिए हमने 10 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया है, तो 10/10, तो फाइनली हमारे सामने आ गया 27:13:10, दिस इज योर आंसर। तो हम बस यहाँ पे ये बताना चाहते थे कि ये जो 10th ऑफ करके है तो उसमें क्या, इस सिचुएशन में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, और अगर 1/5 फ्रॉम करके रहेगा तो आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अब देखो कुछ और भी अलग टाइप क्वेश्चंस रहते हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादातर पूछ दिया जाता है, आप क्वेश्चन देखोगे, ये बाय द वे आपको एस के सिंह की बुक में मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोलता है, ए और बी पार्टनर्स है, कितने के लिए 5:3 के लिए, न्यू पार्टनर सी आता है, आफ्टर एडमिशन ऑफ सी, ध्यान से क्वेश्चन को देखोगे, आफ्टर एडमिशन ऑफ सी न्यू रेशियो बिटवीन बी एंड सी, ध्यान देना, एडमिशन ऑफ सी के बाद आपको नया रेशियो दे दिया बी और सी का कितना 5:3। अब बोलता है कि न्यू PSR निकालिए, ऐसी स्थिति में पूरा पैटर्न जो है क्वेश्चन का ऑलमोस्ट ऑल चेंज हो जाएगा, ऐसी स्थिति में कुछ करना नहीं है, एक मैथमेटिकल का पैटर्न उठाना है अपने को, पढ़े भी होंगे आप लोग क्लास 6-7 क्लासेस में जो मैथमेटिक्स में, हमारे पास ए और बी का यहाँ रेशियो दिया हुआ था 5:3, सी कितने के लिए आ रहा है वी डोंट नो, बस बताया जा रहा है कि सी का आफ्टर एडमिशन होने के बाद बी और सी का जो नया रेशियो रहता है वो क्या रहता है 5:3, तो आप दोनों में देखोगे बी यहाँ भी कॉमन है, बी यहाँ भी कॉमन है, ठीक है, बस इसी से हमको काम करना है, करना कुछ नहीं है, ए बाई बी, ठीक है, ए बाई बी का रेशियो कितना पहले से है 5:3, ठीक है, 5:3, फिर बी बाई सी, ये हमारा क्वेश्चन में दिया है बी बाई सी कितना रेशियो दिया हुआ है 5:3। अब हर हाल में देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि दोनों में, ये दोनों में आप देखोगे बी क्या है कॉमन आ रहा है, यहाँ डिनोमिनेटर में बी है, यहाँ पे न्यूमिनेटर में बी है, दोनों में कॉमन है, हमको हर हाल में बी का जो है, बी का जो नंबर है उसको क्या करना है, कॉमन करना है, हर हाल में उसको क्या करना है, कॉमन करना है, सेम करना है, तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पे 5 है, इस 3 में हम क्या मल्टीप्लाई करें और इस 5 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे इक्वलाइज आ जाए, तो आप देख सकते हो, तो अगर हम 3 में 5 का मल्टीप्लाई करते हैं और 5 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों में कॉमन 15 आ रहा है, तो जैसा कि आप नियम जानते हो, अगर हम यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करेंगे तो न्यूमिनेटर भी आपको 5 करना होगा, तो 5 + 5 क्या हो गया 25 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ भी हमको डिनोमिनेटर क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई करने का, तो करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, तो फाइनली हमारे पास तो न्यू रेशियो आप देखोगे 25 किसका आ गया, ए का, बी में दोनों कॉमन आ गया 15, ठीक है, और सी का कितना आ गया 9, बस ये है और कुछ नहीं है, मेक द बेस ऑफ बी कॉमन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, बस आपका ये क्या हो गया 5:25:15:9 आपका आंसर हो गया। सिमिलरली यही सेम क्वेश्चन है, मैं रिपीट की हूँ उसको दोबारा, शायद बाद में आपको ना समझ में आया हो तो फिर से आप देख लो, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि ए और बी जो पार्टनर है उनकी जो रेशियो है वो कितनी है 3:2 है,
ऑन एडमिशन ऑफ सी न्यू रेशियो बी और सी के बीच में कितना हो जाता है 3:2, फाइंड न्यू पीएसआर। तो बस वही काम करेंगे, ए बाई बी करेंगे 3:2 है, फिर बी बाई सी करेंगे 3:2 है, जो मेरा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है। 2 और 3 में हम कितने से गुना करें कि इक्वलाइज आ जाए, तो 2 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो 6 आएगा, और 3 में हम गुना करेंगे 2 से तो कितना होगा 6 आएगा। अब जितना से यहाँ पे हम गुना कर रहे हैं उतना ही ऊपर करना, जितना यहाँ से हम गुना कर रहे हैं उतना ही हमको नीचे से गुना करना है। तो 3 जा क्या हो गया 9 और 2 जा क्या हो गया 4। सो द न्यू रेशियो ऑफ ए इज 9, बी इज 6 एंड सी इज 4। सो दिस इज योर आंसर। तो आई होप सो ये जो 4 क्वेश्चन मैंने आपको बताया है ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट और हमको 2 क्वेश्चंस करना है, उसके बाद हम लोग फिर से डॉक्टर एस के सिंह की जो बुक है जो हमारा पढ़ना है, गुडविल का जो ट्रीटमेंट है और स्पेशल जो चरा इंट्रीज है, रिजर्व एंड वर्कमैन कंपनसेशन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके ई कॉमर्स जोन को प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।